हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेरी वेल एट होम। टुडे वी विल स्टार्ट योर सेकंड चैप्टर, चिल्ड्रन एट वर्क। लास्ट वीडियो में मैं इसके वर्ड मीनिंग्स आपको करवा चुका हूँ। लेट्स स्टार्ट लेसन। बिफोर यू रीड, लेसन पढ़ने से पहले राइटर ने कुछ डिस्क्रिप्शंस दिया है यहाँ पर, आइए इसे पढ़ते हैं। देर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत सारे कारण हैं जब बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक आ लिवलीहुड। कुछ तो अपने परिवार की मदद करते हैं टू मेक आ लिवलीहुड। लिवलीहुड क्या होती है? आजीविका, आजीविका कमाने के लिए। अदर्स, दूसरे, हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स। कुछ अनहैप्पी होम्स से, अभागे घरों से भाग जाते हैं। टू सपोर्ट देमसेल्व्स, यानी उन्हें सपोर्ट करने के लिए, किन्हें? खुद को ही सपोर्ट करने के लिए। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल। वैसे वो बच्चे भी हैं जो स्कूल नहीं जा सकते। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और अपनी उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेल सकते। तो ऐसी ही एक स्टोरी है, ये उन बच्चों की स्टोरी है जो किसी ना किसी वजह से काम पर लगे होते हैं जबकि उनकी काम करने की उम्र नहीं होती। तो इसलिए चैप्टर का नाम भी ऐसा ही है, चिल्ड्रन एट वर्क। लेट्स स्टार्ट। वेलू, एक स्टोरी है, एक लड़का है जिसका नाम है वेलू। वेलू एन 11 ईयर ओल्ड बॉय। वेलू 11 साल का लड़का है। रन्स अवे फ्रॉम, जो घर से भाग जाता है। ही वंडर्स, वंडर्स होता है घूमना, घूमता है, जो घूमता रहता है। अराउंड 4 आवर्स, घंटों तक, बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। बिना टिकट के ही चेन्नई जाने के लिए वो दौड़ता रहता है। टायर्ड एंड हंग्री, जो टायर्ड होता है थका हुआ, बड़ा थका हुआ है और भूखा है। ही डजंट नो, वह नहीं जानता वेयर टू गो व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम। ही डजंट, उसे नहीं पता है कुछ, या वह नहीं, वेयर टू गो, कहाँ जाना है। व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन, जब कोई यात्री, एट द स्टेशन, स्टेशन पर शाउट्स चिल्लाता है अ वर्ड ऑफ वेलकम, वेलकम का, स्वागत का एक शब्द, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता है। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है, कन्याकुमारी एक्सप्रेस, पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, ये स्टेशन का नाम है, चेन्नई सेंट्रल, पुल्ड इन, पहुंची, कि जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, कि वेलू को थोड़ा समय लग गया उतरने में। गेट ऑफ होता है उतरना। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया, हिज लेग्स फेल्ट वोबली, उसकी टांगे कैसी महसूस हुई? वोबली, वोबली होता है अस्थिर, डावाडोल। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, जैसे कि वो अभी भी ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में बैठा हो, यानी वो चल नहीं पा रहा था। ओ आउट ऑफ द वे, ओए आउट ऑफ द वे, अरे दूर हटो। आउट ऑफ द वे मतलब दूर हटो। अ पोर्टर, पोर्टर होता है कूली, जो स्टेशन पर सामान ढोने के लिए लेबरर होती है, उसको पोर्टर बोला जाता है। पोर्टर, पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, एक लोडेड ट्रॉली के साथ वो आया, उसने इसको कहा दूर हटो। वेलू जंप्ड असाइड, वेलू एक तरफ हट गया। ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म बेंच पर जाकर बैठ गया। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, अपना एक छोटा सा जो बंडल लिए हुए था उसे नीचे रखते हुए। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, उसके 11 सालों में, ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने कभी भी इतने लोग नहीं देखे थे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है को छोड़कर। वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, सिर्फ एक बार अपने गांव वाले मेले में, मेले को छोड़कर उसने ऐसे इतने लोग कभी
नहीं देखे थे, यानी कि कह सकते हैं भी इतने लोग उसने कब देखे थे, जब उसके गांव में एक बार मेला लगा था। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। लोग वहाँ से चलते रहे बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस, उनके सूटकेस के साथ उसको बम्प करते हुए, पटकते हुए। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। अब लाउड स्पीकर पर एक घोषणा हुई। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, उसके नज़दीक ही एक लोगों का ग्रुप झुंड सेट ऑन देयर लगेज, अपने सामान को लिए बैठा था। लुकिंग एट अ टीवी, और वो एक टीवी को देख रहे थे। हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, जो रूफ से यानी छत से लटका हुआ था। द नॉइस वॉज टेरिबल, जो आवाज़ है वो बड़ी ही टेरिबल थी, मतलब भयानक थी या असुखद थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू ने अपना जो सिर है वो अपने घुटनों के बीच में दबा लिया। फीलिंग मिसरेबल एंड एग्जस्टेड, वहाँ से कैसी फीलिंग आ रही थी? मिसरेबल, बहुत ही दयनीय, दुखी। एंड एग्जस्टेड, एग्जस्टेड होता है थका होना, यानी उस समय वो बहुत थक गया था, उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 डेज अगो, क्योंकि वो गांव से भागा था 2 दिन पहले। फॉर 2 डेज ही हैड ईटन नथिंग, 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी, पीनट्स होती है मूँगफली, कुछ मूँगफली एंड अ पीस ऑफ जैगरी, जैगरी होता है गुड़, और एक गुड़ का टुकड़ा। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, उसके बंडल में उसने क्या रखा हुआ था? अ शर्ट, अ टावल एंड अ कॉम्ब, कॉम्ब होती है कंघी, टावल तौलिया। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानूर, पहले दिन तो ही हैड वॉक्ड, वो मतलब पैदल चला था टू कन्नूर, कन्नूर से। एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और फिर सवार हुआ चेन्नई की ट्रेन में। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, वेलू के पास टिकट के पैसे नहीं थे। बट लकीली, लेकिन सौभाग्यवश, द टिकट कलेक्टर डिडेंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, वो जिस कंपार्टमेंट में आया था, जिस डिब्बे में आया था, सौभाग्यवश वहाँ पर टिकट चेक करने वाला नहीं आया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, उसने दरवाजे के पास ही सोने का प्रयास किया। बट क्या हुआ? अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, लेकिन वो सो नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग पूरी रात ताश खेलते रहे और चिल्लाते रहे। आई व्हाट न्यू टू टाउन ए, कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, एक अजीब, एक बेरुखी आवाज़ उसे सुनाई दी। और क्या कहा गया? व्हाट्स न्यू टू टाउन, आ भी कस्बे में नया क्या है। वेलू ओपन्ड हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, बहुत सारे लोग उसके चारों तरफ खड़े थे। बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हेयर, यहाँ आई। ही टर्न्ड अराउंड बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल, जैसे ही वो पीछे मुड़ा, लड़की वहाँ पर खड़ी थी। अराउंड हिज ओन एज, लगभग उसी की उम्र की। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान, एक लंबी बनियान पहने हुए। दैट केम डाउन टू हर नीज, जो उसके घुटनों तक आई हुई थी। देखिए, आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये बच्चा जो भागा हुआ है घर से, एक अपनी गठरी लेकर यहाँ बैठा हुआ है, और पीछे से ये एक लड़की आती है। अब देखिए इनके बीच में क्या बात होती है। हर हेयर वॉज स्टिफ, उसके बाल कैसे थे? स्टिफ, रुखे। एंड ब्राउनिश, और भूरे रंग के। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक कंधे पर एक बड़ी सी सैक थी, बोरी। देखिए पिक्चर में एक बोरी लिए हुए है। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर, क्या करती थी? फ्लोर से गंदे प्लास्टिक के कप उठाती थी। एंड स्टफिंग, स्टफिंग होता है ठूंसना, स्टफिंग देम
इन टू हर सैक और उनको अपनी बोरी में डाल लेती। वाई इज शी कॉलिंग मी, वो मुझे क्यों बुला रही है, थॉट वेलू, वेलू ने सोचा। एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और एक लड़की ने एक बनियान क्यों पहनी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली व्हाट्स योर नेम, कि उस लड़की ने कहा कि ऐसे मूर्खों की तरह देखने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे, वेलू ने बताया वेलू है मेरा नाम। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, लड़की ने कहा। मिस्टर वेलू लुकिंग एट हिज बंडल, उसके बंडल की तरफ देखते हुए, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भाग कर आए हो। वेलू डिडेंट आंसर, वेलू ने कोई जवाब नहीं दिया। ही डिडेंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल, वह नहीं चाहता था किसी स्ट्रेंज अजनबी अजनबी लड़की को कुछ बताया जाए। वट ही हैड डन, उसने क्या किया था कि वो घर से भाग कर आया था, ऐसा किसी अजनबी लड़की को बताना सही नहीं है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर, वह क्यों आया था, क्योंकि वह ही कुडंट स्टैंड हिज फादर, स्टैंड हिज स्टैंड का मतलब यहाँ पर है सहना, वह सह नहीं सका बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, किसके पिताजी इसको वन मोर डे, लगभग उसको एक दिन हर रोज़ पीटते रहते थे। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू, उसके पिता ने, सॉरी यहाँ हम कहेंगे उसके पिता उनसे पैसे छीन लेते थे। वेलू एंड हिज सिस्टर सरन, जो वेलू और उसकी बहन कमाते थे, एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और उनकी ड्रिंक पी जाते थे, यानी उनको शराब पीते थे। डोंट थिंक आई डोंट नो, ऐसे मत सोचो मैं नहीं जानता। दिस प्लेस इज फुल ऑफ, सॉरी मैं नहीं जानता ही, वो लड़की कहती है, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, लेकिन जो ये जगह है तेरे जैसे बहुत सारे बच्चों से भरी हुई है। सो वट आर यू गोइंग टू डू हेयर, अब आप यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो यहाँ। बिकम रिच, अमीर बनने। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके बगल में बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू थोड़ा सा आगे सरक गया। ही फेल्ट हंगर, उसको भूख लगी हुई थी। पिंचिंग हिम, जो उसे बहुत सता रही थी। एंड प्रेस्ड हिज स्टोमैच, स्टोमैच मतलब पेट, उसके पेट में विद अ ग्राइमेस, पीड़ा हो रही थी, भूख के मारे जब पेट में दुख होता है उसको बोलते हैं ग्राइमेस, चेहरे से भी झलकता है। हंग्री, भूख। आस्क द गर्ल, लड़की ने पूछा। यू वॉन्ट गेट फूड बाई सीटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेसिस, कहता यू वॉन्ट गेट फूड, कहता आपको भोजन नहीं मिलेगा, बाई सीटिंग हेयर ग्लमली, ग्लमली होता है उदासी, कहते उदास होकर अगर यहाँ बैठे रहोगे तो आपको खाना नहीं मिलेगा। मेकिंग फेसेज, ऐसे मुंह बनाने से। आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट, कहता अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए कुछ ला सकती हूँ, आपके लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपनी बोरी उठाई। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और वहाँ से चली गई। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर ही बैठा रहा। वट शुड ही डू, अब उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि क्या उसको उस लड़की से को फॉलो करना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, अब वो कहाँ जा रही थी। शी वॉज डिसअपेयरिंग इन टू द क्राउड, क्राउड होती है भीड़, और डिसअपियर गायब होना, अब वो भीड़ में अदृश्य हो गई थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, लेकिन जल्दी ही उसने अपना माइंड बनाया। ऑल राइट, ठीक है। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया। एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप, वह उठा। एंड रन रैन आफ्टर हर, और उसके लड़की के पीछे दौड़ा। शी वाजंट इवन लुकिंग बैक, अब वो पीछे मुड़कर भी नहीं देख रही थी। टू सी वेयर ही वॉच, कि वो कहाँ था। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, आप इसे अच्छे से रीड आउट करेंगे, उसके बाद कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बीच में जो वर्ड मीनिंग्स आए हैं उनको भी आप साथ साथ लर्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।